यूपी के योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर में खुर्जा व सिकंदराबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें खुर्जा में 20,000 रुपए के इनामी बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि सिकंदराबाद में शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाशों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, 1 पिस्टल, तमंचा, कई जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हुए अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र का रहने वाला 20,000 रुपए के इनामी बदमाश लोकेश, जो खुर्जा में आज रात किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ आया था, लोकेश बाइक से आगे जाकर अपने साथियों को वारदात को अंजाम देने के लिए बुला पाता, उससे पहले ही खुर्जा की अलर्ट पुलिस से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पैर में गोली जा लगी। लोकेश पर दर्जन भर से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। थाना खुर्जा नगर पुलिस जनपद बुलंदशहर के द्वारा आज रात मुठभेड़ में एक अभियुक्त, जिसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, गिरफ्तार किया गया और क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। उल्लेखनीय है कि अब शातिर किस्म का पशु चोर है और वर्ष 2018 के 3 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था, लगभग 1.5 वर्षों से ये वांछित था और इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास किए जा रहे थे। नाम इसका लोकेश पुत्र राजेंद्र उर्फ सुल्ला उर्फ सुलेमान है। यह गभाना जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके दूसरा साथी, जिसको वाहन लेकर के पशु चोरी के इरादे से वहां आना था, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।